अस्सलाम वालेकुम, आई एम रिदा इमरान, वेलकम टू जिंदगी। एक खूबसूरत एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे बहुत सी बातें करने के लिए मैं और डॉक्टर अफशान टटड़ा हाजिर खिदमत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। मैं आज शादी से डायरेक्ट इधर ही आ गई। अच्छा चलो, हम तैयार हो रहे हैं और मैं कहे 10 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए, डॉक्टर अफशान क्यों नहीं पहुंची? देखा तो तैयार होकर पहुंचे, हाँ मैं आ गई, मैं शूट कर रहे हैं। इतनी खुशी मुझे ईद के चांद को देख के नहीं हुई होगी जितना मुझे आपको देखी खुशी हुई है। मुझे शबान के चांद देख के। शादी पे गई हुई थी, शादियों का सीजन है ना जी, आजकल सीजन है और सुबह शाम कोरोना भी डर लग रहा है और शादियां भी हैं और हाँ। छोड़ भी नहीं सकता बंदा और बड़ी प्रॉब्लम और ये साथ। अच्छा साथ आप बताई थी कि इसमें कुछ जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि देखिए बीइंग अ वुमन हम लोग कपड़ों की बात लाजमी करते हैं, डॉक्टर तो क्या हुआ कपड़ों की बातें नहीं कर सकते, जिंदगी में सब कुछ चलता है ना। तो ये आपकी अम्मी के ने रखा हुआ था ये शिंघाई ना, शिंघाई तो वो अम्मा की पेटी में बरामद हुआ था काफी अरसा पहले, मैंने किया हुआ था तो फिर मैंने अब इसको सिलवाया। वाओ ब्यूटीफुल, बड़ा प्यारा फ्रेश कलर है। लेकिन अब आज का जो प्रोग्राम है वो डॉक्टर अफशान ने सोचा कि आपके जो सवालात बहुत सारे आते हैं, तो हम हफ्ते में जो एक प्रोग्राम करते हैं उसमें महीने में एक दफा ऐसा प्रोग्राम किया करेंगे जो आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो जो एक टॉपिक बन जाता है उसके ऊपर हम बेस करके एक प्रोग्राम कर लिया करेंगे। जैसे आज का जो टॉपिक है जनाब वो क्या है? आज का जिस टॉपिक है वो ये है कि अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वो कहते हैं कि एजोस्पर्मिया का इलाज मुमकिन ही नहीं है, एक चीज़। और सेकंडली वो अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मेल बेबी चॉइस जो आप बताते हैं अच्छा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं उसमें इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि किस तरह हम इलाज करते हैं और एजोस्पर्मिया का इलाज कैसे मुमकिन है और उसमें सक्सेस चांसेस कितने होते हैं और किन किन लोगों को एजोस्पर्मिया का इलाज करवाना चाहिए और किन लोगों को इस चीज़ का इलाज नहीं हो सकता या नहीं कर सकते। और लोगों का ये कॉन्सेप्ट है ना कि जैसे एजोस्पर्मिया के पेशेंट जब किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास या कुछ इस तरह के जाते हैं जी, जी। तो उनको यही सुनने को मिलता है कि अल्लाह ताला ने पीछे एक फैक्ट्री ही प्रोड्यूस ही नहीं की तो वो एजोस्पर्मिया का इलाज मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। देखें आप जब जितने भी पेशेंट्स के टेस्ट वगैरह मुख्तलिफ टाइम में करवाएं तो उनके हारमोन्स बिल्कुल बैलेंस्ड आएंगे, एक चीज। सेकेंडली हार्मोन तब भी बैलेंस आएंगे जब आपकी बॉडी में कोई ना कोई वर्क हो रहा है, अच्छा ठीक हो गया। सेकेंडली ये कि एजोस्पर्मिया के पेशेंट का ये एक मेन स्पर्म्स में प्रॉब्लम आती है कि उनके पस सेल्स होते हैं, तो इट्स वेरी वैलिड पॉइंट के भी आपके पस सेल वहीं बनते हैं जहाँ पे स्पर्म्स होते हैं, जहाँ पे गंदगी होगी वहीं पे बैक्टीरिया बनेगा ना, तो बैक्टीरिया वहीं पे बनता है जहाँ पे स्पर्म मौजूद होते हैं। पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव बात है। तो ये अगर इस पर रिसर्च की जाए और उसको अच्छी मेडिकेशन दी जाए तो इट्स अ वेरी पॉसिबल और 84-85% चांसेस हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। तो जनाब जी आज हम बात करें किस तरह से जेंडर चॉइस बच्चों की होती है, कुछ स्टेजेस में हम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। और नंबर टू एजोस्पर्मिया के हवाले से बात होगी, मर्दाना बाचपन के हवाले से बात होगी, बेऔलादी के हवाले से बात होगी। डॉक्टर अफशा पिछले 22 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं सेटेलाइट टाउन में, इनका जो है वो क्लिनिक है अफशा मेडिकल सेंटर। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता रही हूँ, लाइव कॉल्स करने के लिए हमें कॉल कीजिए 051-410-2249-051-410-2249। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, अभी नहीं प्रोग्राम के बाद मैसेज अभी कर दीजिए 0333-513-9482-0333-513-9482। इस पे हम बात कर रहे हैं आज आपसे। सबसे पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, लेट्स सी हमें कौन ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मकसूद रहमान बात कर रहा हूँ, टोपी सवाबी से। सवाबी से, अच्छा जनाब मकसूद भाई क्या सवाल करेंगे? वही हमारे बच्चे नहीं है, 13 साल हो गए हमारी शादी। अच्छा औलाद का? आपके बच्चे नहीं है, कितना अर्सा हो गया शादी को? 13 साल हो गए। 13 साल, अच्छा स्वाबी तो ये हमारे बड़े करीब है, तो आप ये मेरा नंबर नोट करें। और आपने 13 साल में डेफिनेटली मेरे भाई के आपने कोई बहुत ज्यादा टेस्ट वगैरह कुछ करवाए होंगे या कुछ ट्रीटमेंट लिया होगा? हमने मैडम मेरा तो वेट ज्यादा हो गया था, देसी दवाइयां खा के वजन बढ़ता गया, तो अभी मैं वजन का इलाज कर रहा हूँ, डॉक्टरों ने बोला है कि आप अपना वेट कम करो। तो आप वेट कम करने के लिए भी आए ना? आपके पास ट्रीटमेंट? हाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ विक्टोजा। कहाँ से?
विक्टोजा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेडिसिन का नाम बता, कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं? ओके, वैक्सीन है, वैक्सीन मैडम। तो अभी इनका वेट है कितना आपका? अभी मेरा अभी वजन 132 kg है, पहले 180 kg था। अच्छा कम हुआ है, ठीक है। अच्छा कम हुआ है, ठीक है। ठीक है, आप ऐसा करें, विजिट कर लें, मेरे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, फिर भी आप नोट कर लें, और आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह व्हाट्सएप करें और वॉइस नोट कर दें, मुझे एक छोड़ दें, और या अभी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं तो मेरी सेक्रेटरी आपसे बात भी कर लेगी, तो वो आपको सुबह का टाइम दे देगी, आप उससे फिर मेरे से बात कर लीजिएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुशखबरी सुनेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एक्चुअली साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत होता है, ऑब्वियसली औलाद का ना होना, ना लोगों का बार बार पूछना कि औलाद क्यों नहीं है, लोगों का पूछना भी एक अफेक्ट है। और सेकेंडली सबसे मेन जो इशू आता है मेल्स में कि वो बड़े शाये हैं, वो बताने में डरते हैं और परेशान रहते हैं और मिसगाइड लोग बहुत करते हैं। और ये जो मतलब मैं इसमें हिकमत में बुराई नहीं कर रही किसी की, लेकिन हर बंदे को स्टीराइड मिल रहे हैं। अच्छा। तो वो बड़ा एक साइड इफेक्ट लेके जा रहे हैं किडनीज ये वो, और लोगों के माइंड कॉन्सेप्ट सेक्स के हवाले से भी बड़े नेगेटिविटीज में हैं। तो हाँ। वो ये मतलब मेल्स को काउंसलिंग की ज़रूरत है, जो कि अक्सर हमारे इस माशरे में बोला नहीं जाता और बताया नहीं जाता, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से जो समाजी दबाव होता है, समाजी दबाव एंग्जाइटी खवातीन को होती है, वो मर्द हज़रात को भी इक्वली उतनी होती है। बिल्कुल, लेकिन मसला ये कि वो इतना एक्सप्रेस कर नहीं पाते। हाँ, मर्द जो है लेफ्ट एंड राइट हो जाते हैं, शॉप्स पे जाना, बिजनेस में आगे पीछे, उनका इतना वो सर्कल होता है कि वो अपनी इन चीज़ों को डिसन, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस में जो चीज़ें होती हैं वो मेल्स फेस कर रहे होते हैं, जो कि अफेक्ट कर सकता है और जो कि बांझपन को उनकी तरफ लेके जाता है उनको। और दूसरा ये कि ख़वातीन में ये आदत है कि आपसे बात कर ली, दूसरे से कर ली, तीसरे से कर ली, लेकिन मेल बेचारा किसी से नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बिल्कुल सही। हम लोग मेकअप रूम में बैठ कर ये बात कर रहे थे कि जी हमारे जो भाई हजरात हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मेल मेम्बर्स हैं, उनको तो मुख्तलिफ चारों तरफ से अटैक होता है ना। हाँ, शादीशुदा हो गए तो माँ की तरफ से मतलब अम्मा, अम्मा बोलती है कि मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, और बेगम बोलती है मेरा खावंद मेरी नहीं सुनता। हाँ, हाँ। तो मर्द बेचारा कभी खिंचने हो रहा है इस तरफ, कभी खिंचने हो रहा है इस तरफ, तो वो बड़े एक इशू होता है। तो मेल्स के लिए कोई नहीं बोलने वाला ना, तो मैं वैसे बीइंग द लेडी मेल्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि उनके ज़्यादा प्रॉब्लम्स है बनिस्बत लेडीज़ के, क्योंकि देखें लेडीज़ फर्स्ट वाला एक जुमला है, आप कहीं पे भी जाएं, बैंक में जाएं या आगे पीछे जाएं, लाइन में कभी भी नहीं आप देखेंगे कि ख़वातीन खड़ी हो। बेचारे सब ख़वातीन को, हमारा माशरा इतना अच्छा है कि इज्जत हाँ। देता है ख़वातीन को। हाँ, बात हर वक्त आप नेगेटिविटी क्यों ढूंढते हैं? हाँ, हर वक्त अब जहाँ पे भी चले जाएं ख़वातीन की लाइन नहीं होती, जहाँ देखा बेचारे मर्द ही लाइन में लगे होते हैं बेचारे। अच्छा, लेकिन मैंने बिल पे किया था, मैं लाइन में खड़ी हुई थी, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे हस्बैंड यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, मुझे नहीं खड़े होने, लेकिन आई वेटेड फॉर 40 मिनट्स मैंने क्यू में खड़े होकर जो है ना वो किया था। वो मतलब ये बड़े रियल केसेस में 90% ये है कि बाजी आप आगे चली जाए, मैडम जी आप आगे हो जाए, आराम से तहमुल से अपनी बात समझाएं कि ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं है, मुझे ऐसे है ये। मैंने अभी फेसबुक पे बड़े मजे की चीज एक पेज से देखी, राइटर ने लिखा हुआ है कि जी रिश्तों को वक्त देना चाहिए, क्योंकि मुमताज महल ने मुमताज ने अपना वो मकबरा जो है वो नहीं देखा था। हाँ। वो उसको मोहब्बत वो तवज्जो तो मिली नहीं। हाँ। बाद में ताजमहल बन गया, बड़ी बात है, लेकिन जिसके लिए बना उसने तो देखा नहीं, उसने देखा। तो रिश्तों को वक्त देना बहुत जरूरी है, अदम टाइम देने से या तवज्जो की वजह से जो है ना रिश्ते खराब हो जाते हैं, फासले बढ़ जाते हैं। तो खुदा ना खास्ता आपके साथ ये मसला है कि औलाद नहीं है, तो जरूरी ये कि मियां बीवी आपस में रابطे में रहें, एक दूसरे से रابطे में रहें और एक दूसरे को टाइम दें, और गॉसिप्स जो होती हैं फैमिली में ये वो, उस पे कान ना धरें, क्योंकि हाँ। कुछ लोग आपको कुछ कह रहे होते हैं, आपके हस्बैंड को कुछ कह रहे हाँ, होते हैं हाँ। तो जब आप वो माइंड में वो चीज़ें चल रही होती हैं, तो जब आप डिस्कस करते हैं तो आपके घर टेंशन हो जाती है, वो तो जाके चिल कर रहे होते हैं। सही बात है, उनको चिल ना करने दें, बिल्कुल अलाउ ना करें। अच्छा,
कितना मैंने अक्सर देखा कि थर्ड पार्टीज जो है ना वो कपल्स को बॉन्डिंग नहीं करने देती है जो होना चाहिए, जो बॉन्डिंग होना चाहिए, ये जो गोल्डन टाइम उनको एक दूसरे के लिए गुजारना चाहिए या शुरू के एक दो साल जो हनीमून टाइम होता है वो मतलब वो गोल्डन टाइम वो ऐसे गुजारते हैं कि जैसे किसी के घर जाना है, किसी ने घर आना है, बहन का ख्याल रखना है, मतलब बड़ी बहन कुंवारी बहन रह रही है उसके सामने ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना, तो ये मेल्स एंड फीमेल्स बड़ा फेस कर रहे होते हैं जो न्यू मैरिड कपल होते हैं. सास अम्मी ना कुछ कह दे, ससुर को बुरा कुछ ना लग जाए, और इसी तरह लड़के भी उनके लिए भी मसले मसाइल हैं कि मेरी सास को कुछ ना बुरा लग गया, आज तो साली घर आ गई, अब तो मैंने इधर नहीं बैठना उधर नहीं बैठना, तो ये सारे बड़े मसाइल हैं अगर इनको नोट किया जाए तो बहुत चीज़ें फेस तो वो टाइम शुरू का एक डेढ़ साल जबकि कपल्स को खुद को टाइम देना चाहिए मेरे ख्याल से, बड़े बुजुर्गों को थोड़ा सा साइड पे हो जाए, उन्हें एक बॉन्डिंग करने दे, वरना अगर उस वक्त रिश्ता मजबूत ना हो तो मेरे ख्याल से वो बातें सारी उम्र चलती है. आज हम बात करें आपके सवालात के ऊपर, हमें कॉल कीजिए 0514100249 01414209. हम आपके ना सिर्फ सेहत के मसाइल को डिस्कस कर रहे हैं बल्कि जो जहनी मसाइल हैं, जो माशरती मसाइल हैं बेओलादी की वजह से, हम उसको भी डिस्कस करेंगे. अगर आपने उस हवाले से भी कोई बात करनी, डॉक्टर अफशा काउंसलिंग भी करती हैं, वो अपने पेशेंट को से वैसे नहीं छोड़ देती कि दवाइयाँ खाएं और ठीक हो जाएंगे, सजेस्ट नहीं करती अपने पेशेंट को. 90% में पेशेंट्स को मेडिसिन सजेस्ट नहीं करती, और मेरे पास ऐसे कपल्स आते हैं कि जिनको अक्सर को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती बल्कि उनको गुड टाइम की ज़रूरत होती है. मैं बल्कि अक्सर कपल्स को ये कहती हूँ कि आप 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए मरी चले जाओ, कहीं नॉर्थर एरिया में चले जाओ, कहीं घूमने फिरने चले जाओ, कुछ बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है. अच्छी बात डॉक्टर ने बोली, गुड टाइम का होना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि हम लोग जब 1 घंटा प्रोग्राम कर लेते हैं तो मेरे 2-3 दिन बड़े आराम से मजे से गुजर जाते हैं ना, हंसते खेलते. गुड टाइम जो रिलीव हो जाता है ना, रिलैक्स आप हो जाते हैं. और जब आपको टेंशन हो तो डॉक्टर अफशा की जो है ना मुस्कुराहट हंसती ना वो जरूर देख लिया करें. वी हैव अनदर कॉलर विद अस, लेट्स सी हमें कौन ज्वाइन कर रहा है. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी भाई कौन बात करें, कहाँ से? जी ज़ुल्फ़िकार अर्ज़ कर रहा हूँ जी, तरनौ से. ज़ुल्फ़िकार भाई, अच्छी बात ये कि हमें मर्द हज़रात हमारे भाई कॉल कर रहे हैं. ज़ुल्फ़िकार भाई क्या सवाल करेंगे? आज प्रोग्राम ही मेल्स का है ना. हाँ जी, मैं ये प्रोग्राम देख रहा था तो मुझे बहुत खुशी हुई डॉक्टर साहबा से कि डॉक्टर साहबा जो है मर्दों की वो जो है डिस्कस करती हैं. बिल्कुल. तो हमें 8 साल हो गए, हमारे बच्चे नहीं है ना. जी, तो मैंने मुख्तलिफ मेडिसिन भी यूज की, बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ. कुछ पहले कुछ वाइफ का मसला था, वो अभी ठीक हुआ है, तो अभी फिर मेरा कुछ मसला चल रहा है. अच्छा, ऐसा है ज़ुल्फ़िकार साहब कि आपके पास ये मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, मुझे ज़बानी तो अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं याद है, लेकिन आप कॉल कर लें, अभी करना चाहें अभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और सुबह अगर करना चाहें सुबह कर लें. अपने रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप कर दें और अपना वॉइस नोट मुझे छोड़ दें, तो मैं इंशाल्लाह सुबह, और जो भी 1-2 मिसेज की प्रॉब्लम है या आपकी प्रॉब्लम है वो सारी मैं आप दोनों की सुनूंगी और देखूंगी, और अगर पॉसिबल हुआ इंशाल्लाह कि मैं अगर ट्रीटमेंट कर सकी तो इंशाल्लाह मैं जो ट्रीटमेंट करती हूँ उसके बाद सक्सेस रेट जो होते हैं मेरे 95-99% होते हैं इंशाल्लाह. तो ये है कि आपको एक टाइम विजिट ज़रूर करना पड़ेगा मेरे पास. ठीक है जी ज़ुल्फ़िकार साहब, अपनी रिपोर्ट्स आप डॉक्टर अफशा को कर दीजिए सेंड. उनका नंबर जी 0333-513-9482 स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा. मैं रिपीट करती हूँ 0333-513-9482. डॉक्टर अफशा, एज अ स्पर्मिया की तो हम बात करते हैं लेकिन ख़वातीन की भी कुछ वजूहात होती हैं कंसीव ना करने की, क्या इसमें से एक वजह मोटापा भी है? मोटापा बहुत बड़ी वजह है क्योंकि आपके बेली फैट्स जो होते हैं यूटरस के, बल्कि यूटरस होना, हाँ जी, ये मेजोरिटी आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वो ख़वातीन के रिपोर्ट्स में फ़ाइनल जो लिखा हुआ होता है ओपिनियन में कि भी आपका वो है कि बल्कि यूटरस है. तो यूटरस का शेपलेस होना वो उसी वजह से होता है कि जब आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, लार्ज हो जाता है, तो इस वजह से हो जाता है कि जो औरतें बैठी रहती हैं
एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती या एक्सरसाइज नहीं करती तो उनका बल्कि यूट्रस हो जाता है, जिसकी वजह से उनके एग ओविलेशन वैसे नहीं होती जैसे नॉर्मली एक खातून की होनी चाहिए। और उसके अलावा जो औरतें बिल्कुल स्टिल बैट सीट वर्क है जिनका, तो उनमें भी बल्कि यूट्रस का बहुत ज़्यादा देखने में आता है। और उनका सबसे मेन प्रॉब्लम जो देखने में आता है वो ये आता है कि उनका जो होता है अक्सर मतलब जिसको एग ओविलेशन नहीं हो रही होती और ट्यूब ब्लॉकेज का भी इशू आ रहा होता है, ठीक, और आपका जो सिस्ट बन रही होती है पॉलिकल सिस्ट्रल ओवरी जिनको पानी की थैलियां भी आप कहते हैं आम जबान में, तो वो अंगूर के गुच्छे की तरह ऐसे बबल्स बने हुए होते हैं, तो वो हमें बड़ा तंग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, तो ये सारी प्रॉब्लम। अच्छा चलिए जी, एक और इसी बात को बढ़ाएंगे, एक कॉलर हमें ज्वाइन करें, लेट्स सी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी। कौन बहन बात कर रही है जी? लुबना जी, जरूर जरूर लुबना बोलिए। जी जी कैसी हैं लुबना? ये पूछना था कि मुझे शुगर है, मेरी उम्र 34 साल है, तो मेरी वजन बहुत ज्यादा कम हो रही है ना, तेजी से मेरी वजन कम हो रही है। वजन तेजी से कम है शुगर इनको, शुगर की वजह से। मुझे डिप्रेशन भी है, तो छोटी सी बात होती है मुझे बहुत परेशान कर देती है, तो मैं इस बारे में पूछ रही हूँ कि मैं क्या करूँ, वजन भी कम हो रही है और मैं बहुत टेंशन में हूँ। 34 इयर्स की हैं, इनको शुगर है, डिप्रेशन एंग्जाइटी भी होती है उस वजह से। अच्छा, ये ऐसा है ना, डिप्रेशन तो उन लोगों को होता है जो नमाज नहीं पढ़ते। नमाज शुरू कर दें आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक। ये मतलब मैं पूरे पाकिस्तान को ये एडवाइस करूँगी कि जो मतलब लोग आप ऑब्जर्व कर लें, इंफॉर्मेशन ले लें, रिसर्च कर लें कि जो जितने लोग नमाजी हैं या मतलब 5 टाइम अगर कोई भी बंदा वजू करता है तो उसको डिप्रेशन नहीं होगा, ये आजमा लें आप। और अंग्रेज़ लोग बल्कि आप रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे वजू करने में उनके वो जो एंजाइम जाते हैं वो कहते हैं कि हमारा बस चले तो हम पूरे मुल्क में एक लॉ कायम कर दें कि 5 टाइम इंसान ने वजू करना। उसकी एक वजह ये भी मुझे लगता है साइकोलॉजिकली कि जब आप अल्लाह ताला के सामने जाते हैं, दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, दिल की बातें करते हैं, दिल की बातें करते हैं, वो सुनेगा और आपको जज किए बगैर आपको देगा, नवाजेगा, नवाजेगा, ये तब कैथोरसिस होता है बिल्कुल। और जब अल्लाह से आप मांग रहे होते हो तो आप जो हो ना बड़े रिलैक्स फील कर रहे होते हो बनिस्बत किसी और बंदे के बात करने के, क्योंकि हमें पता है वो सॉल्व भी कर लेगा और सुनेगा भी, और सबसे बड़ी बात ये कि वो हमें कहीं पे मायूस नहीं होने देगा, क्योंकि उसका वादा है ना कि मेरी उम्मीद से कोई मायूस ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ये है कि मेंटली वैसे ही बंदा रिलैक्स हो जाता है। इनके लिए क्या कहेंगे? इनके लिए वही ना कि वो कह रही है कि मैं छोटी छोटी बात ना नोट करती हूँ और मुझे डिप्रेशन हो जाता है। तो इस देखें, अब अगर हम दवाइयों की तरह जैसे चेयर अप है, जैसे इजी डे है, ये ऐसी कुछ भी मेडिसन आप लेते हैं तो आपका ज़हनी खुलिया जो है वो वक्ती तौर पे स्लीपिंग पिल्स में चले जाते हैं कि आप सोओगे। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप, सोओगे आप, दिमागी तौर पे थोड़ी देर के लिए सुनोगे, पुरसकून होगे, लेकिन कब तक? वो तो बीइंग द टाइम है ना कि आपका 1 घंटा बहुत अच्छा गुजर गया, 8 घंटे अच्छे गुजर गए, 7 घंटे, लेकिन एंड जो है आप फिर वो उसी चीज में आदि हो जाते हैं, फिर आप उसके आदि हो जाते हैं, और फिर डेफिनेटली वो आपको कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट दे रहा होता है। बिल्कुल, तो ये चीज है कि वो दवाइयाँ आपको कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट दे रही होती हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो आपको चाहिए कि नमाज शुरू करें, हर खवातीन मर्द औरतों को जो कहते हैं कि हमें छोटी छोटी बात टेंशन देती है, छोटी छोटी बात हम सोचना शुरू कर देते हैं, सिक हो जाते हैं मेंटली तौर पे, वो बात दिमाग के साथ चिपक जाती है, तो उन लोगों के लिए नमाज और 5 टाइम वजू करना इतना ज़रूरी है कि जितना एक दवाई खाना। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या इलाज बताती हैं? मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें, वो मेडिसिन तो खाएंगे वो कुछ टाइम के लिए, लेकिन शुक्र अदा करें, और सेकेंडली वॉक करने से आपको बड़ा डिप्रेशन दूर होता है 15 से 20 मिनट। वही ना, तो ये शुगर आपको इंसुलिन लेवल कम है जिसकी वजह से आपको अंदर ही अंदर खा रही है ये शुगर, और डिप्रेशन एंजाइटी आपको शुगर को और बढ़ा देती है। हॉबी शुरू कर दें, नमाज की पाबंदी रखिए, पॉजिटिव सोचें, म्यूजिक सुन लें,
कोई हॉबी कॉलेज के जमाने में होगी वो करना शुरू कर दें, दोस्तों से करें। तो जनाब बातें बहुत करनी, एक कॉलर वेट करें, लेकिन हम यहाँ पर ले लें एक छोटा सा ब्रेक। आप रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी। वेलकम बैक टू जिंदगी, प्रोग्राम जिंदगी में खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर अफशार। मैं हर मंगल को आपसे बात करते हैं, 7 से 8 बजे तक लाइव कॉल्स होती हैं, और आज हम बात करें बेऔलादी के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं आपको व्हाट्सएप नंबर डॉक्टर अफशार का बता रही हूँ, सेव कर लीजिए। कोई मसला हो आप उन्हें वॉइस मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, और K2 का रेफरेंस दे देंगे तो ज़रा जल्दी कॉल आपकी अटेंड कर लेंगे। नंबर है जिनका 0333-513-9482, 0333-513-9482। डॉक्टर अफशां से बात भी करती हूँ, अभी एक कॉलर हमारे वेट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई वेलकम टू जिंदगी, कौन बात कर रहे हैं? मैं इकराम अली बात कर रहा हूँ, मानसेरा जिला मानसेरा से। मानसेरा से इरफान भाई, मानसेरा का मौसम कैसा है? मानसेरा का मौसम आजकल तो बहुत सर्द है। सर्द है? सर्दी है बस। जबरदस्त जी, तो आपका सवाल क्या होगा डॉक्टर अफशां से? मेरा सवाल ये है कि अगर मेरी चाची के मुंह पे गरमाइश आती है ना। अच्छा। और गरमाइश आती है मुंह पे तो कभी कभी आती है और कभी नहीं आती। मुझे समझ नहीं आ रहा। 50 साल उम्र है उनका। अच्छा। हाँ, इनका इलाज अगर डॉक्टर साहब से आप, डॉक्टर साहब से आप पूछ ले तो। आप मुझे मुझे आपका समझ नहीं आया, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, ये नंबर जो नीचे स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर लें सुबह 10 बजे, तो मैं आपसे खुद बात कर लूंगी। ये कह रहे कि इनके चेहरा गर्म हो जाता है, 50 इयर्स इनकी उम्र है, इनकी और चेहरा की। भाई आपका अपना चेहरा हो जाता है ना गर्म, गर्माइश आती है जी? आपका अपना चेहरा गर्म हो जाता है ना, आपकी मिसेज का, चाची है ना? इनकी चाची का, उनकी उम्र 50 साल है और ब्लड प्रेशर तो नहीं? बीपी हाई होता होगा ना उनका। हेलो भाई, उनको ब्लड प्रेशर तो नहीं? डॉक्टर अफशां पूछ रही है। नहीं, ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है। ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है? अच्छा, ब्लड एलर्जी। देखें 50 एज है तो डेफिनेटली उनको बीपी का ही कोई इशू होगा या किसी चीज से उनको एलर्जी होगी। तो आप उनके कोई टेस्ट वगैरह, आप वॉइस नोट छोड़ दें तो मैं आपको कुछ टेस्ट के नाम बताती हूँ, वो करवा लें, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि क्या रीजन है। क्योंकि नॉर्मली ब्लड प्रेशर से अक्सर ऐसा होता है कि पेन को जाता है, गर्मी फील होती है, एकदम से गर्मी गर्मी। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए अगर इनको? इनको चाहिए कि पानी वगैरह ज्यादा लें उस कंडीशन में, और एनवायरनमेंट देखें कि किस एनवायरनमेंट में। समटाइम ये होता है कि आप हवस ज्यादा कमरे में भी बैठे होते हैं ना, तो ये पोजिशन हो जाती है, तो आप खिड़कियाँ दरवाजे थोड़ा सा खोल के रखें। अच्छा, मैं जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करूँ या चलूँ तो मेरे हाथ पिंक हो जाते हैं और गर्म हो जाते हैं शदीद, वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है ना। अच्छा, उस दौरान और तेज हो जाती है जिसकी वजह से। तो खतरनाक बात कोई नहीं, कोई खतरनाक बात नहीं। सुपर पावर आने वाली मेरे पास, मैं ऐसे करूंगी आग निकलेगी ऐसे करके। स्पाइडरमैन तो नहीं बन हो सकता है कि ब्लड प्रेशर हो। अच्छा, ब्लड प्रेशर बड़ी कॉमन बीमारी है, जैसे आपने 50 साल की उम्र ब्लड प्रेशर तो होगा, ये कंफर्म हो जाता है मेजॉरिटी एशियन ममालिक में जो है ना, ये चीज देखने में आती है। और दूसरी बात ये कि हम इतने स्ट्रांग मिर्च मसाले लेते हैं, नमक नहीं छोड़ते। अक्सर वो लोगों को मैं देख रही होती हूँ कि वो शुगर होने के बाद शुगर छोड़े हैं, ब्लड प्रेशर होने के बाद नमक छोड़े हैं, तो प्लीज काइंडली पहले छोड़ दें ना। हाँ। होए उसको थोड़ा थोड़ा एंजॉय करें ना। तो मीठा अगर खा जाए तो गुड़ ले लें या ब्राउन शुगर? हाँ, ब्राउन शुगर ले लें, गुड़ ले लें। और अगर आप बिल्कुल फीके पियेंगे तो एक हफ्ते बाद आपको आदत हो जाएगी। आदत हो जाएगी। हाँ, ये तो देखें वो टेस्ट है ना, डेवलप कर लिया तो वो आपका। अच्छा, बहुत दफा हम जो खाते हैं ना वो हॉके के तौर पे खाते हैं, भूख नहीं होती है, भूख नहीं होती, इंजॉय करने के लिए खा रहे होते हैं कि भी हम कुछ ना करें, कुछ खा ले। घर में आज चने की दाल बनी थी, वैसे मैं शादी से आई हूँ, वैसे आज बनी चने की दाल। चने की दाल थी, ये तो मजे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं इम्तियाज क्वेटा से बात कर रहा हूँ। क्वेटा से इम्तियाज जी, जी, जी। शुगर से मेरे घुटनों में शदीद दर्द होती है, और जब सुबह सवेरे मैं उठता हूँ तो बिल्कुल सारा बदन अकड़ा हुआ होता है, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर सारा दिन आपके घुटनों में दर्द होता है, तो आपने अपना RFT यूरिया वगैरह का टेस्ट करवाया है?
जी करवाया सारा ग्रुप। वो टेस्ट कैसे आए हैं? उन्होंने ये बताया था कि बस किसी ने अभी तक तो ये नहीं बताया, मुझे शुगर की वजह से ही उन्होंने कहा आपको ये प्रॉब्लम था। शुगर भी है जी? शुगर उसी की वजह से कह रहे हैं। अच्छा, आप ऐसा करें ना, अपने टेस्ट वगैरह हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको दवाई वगैरह लिखवाती हूँ कुछ, या सजेस्ट करती हूँ कि आप क्या करो। ठीक है, ठीक है जी। 0333-513-9482 0333-513-9482 इस पे आप टेस्ट जो है, जो भी हमें देख रहे हैं, आप K2 का रेफरेंस दीजिए, प्रोग्राम का ज़िंदगी का रेफरेंस दीजिए और अपना प्रोग्राम आपके जो रिपोर्ट्स हैं वो वहाँ तक पहुँचा दीजिए। रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर अफशा के लिए इसलिए ज़रूरी है कि वो पिन पॉइंट कर देंगे कहाँ कोई मसला है। बिला वजह की दवाइयाँ देने का इनको बिल्कुल भी शौक नहीं है और खाम के साइड इफेक्ट्स होम्योपैथिक तो वैसे भी नहीं होते ना, नहीं साइड इफेक्ट, लेकिन आपके पास ऐसे लोग आते हैं जो कि दवाइयों की भरमार की वजह से बीमार रहे हो गए हों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100% मेजोरिटी ऐसे लोग हैं जिन्हें इतनी ज़्यादा। अब मेरे पास एक पेशेंट पिछले दिनों आया कि उसको विटामिन डी की कमी नहीं थी, उसको इतने विटामिन डी की मेडिकेशंस और इंजेक्शंस दिए गए कि उसको ज्यादती हो गई विटामिन डी की। तो वो देख लें, अब वो टेस्ट नहीं करवाते या विदाउट टेस्ट किए सजेस्ट कर देते हैं डॉक्टर मेडिसिन। जनाब बात को आगे बढ़ाएंगे, कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही, कहाँ से? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ ज्यादा। जैनब क्या हाल चाल है? ठीक अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम देखा है तो बड़ा दिल खुश हुआ है। वंडरफुल, तो जी शुक्रिया। मैं भी अपनी बीमारी के बारे पूछ लो। हाँ जरूर, पहले ये बताएं, पहले जैनब ये बताएं रात के खाने के लिए क्या बनाया आपने? आज हमने बिरयानी बनाई है मेरे को। हम दोनों आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत वेलकम। अच्छा क्या सवाल है? मेरा सवाल ये बेटा के ना, मुझे पहले बवासीर रही है। अच्छा, तो अब बवासीर तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है खून तो नहीं आता सही। लेकिन मकर के अंदर ना इतनी जलन सी भी लगी रहती है और ठूस ठूस सी दर्द सी होती रहती है, हल्की हल्की सी पेनती रहती है। जैनब ऐसा है, आप पिंडी में रहती हैं तो हमारे डेफिनेटली कहीं आगे पीछे करीब साइक्लोटोन के होंगी, तो आप विजिट क्यों नहीं कर लेती अफशा मेडिकल सेंटर पे और डिटेल से मेरे से मिल लें और मैं आपकी प्रॉब्लम्स भी सुन लूं और आपके कुछ टेस्ट। मैंने डॉक्टर जफर इकबाल हैं उनसे इलाज करवाया था। अच्छा, जफर जमाल से इकबाल? इकबाल इकबाल हाँ जी, चांदनी चौक में जो है। जी जी वही। अच्छा, तो एक दफा आप आ जाए बगैर बिरयानी के भी चली जाए, कोई मसला नहीं है। कोई बात नहीं, आपके ना आपके लिए लेके भी आ सकती हैं। आप डॉक्टर अफशा क्लिनिक में आप आ जाइए, बिरयानी का तो खैर मजाक था, अपने इलाज के लिए एक दफा आप विजिट कर लें। तो आप इधर सेंट्रल हॉस्पिटल में होगी? हाँ जी, हम उधर ही होते हैं अफशा मेडिकल सेंटर में, जहाँ पे आप कह रही हैं ना चांदनी चौक से थोड़ा सा ही आगे है, सेटेलाइट टाउन अफशा मेडिकल सेंटर नेशनल मार्केट में। ठीक है, ये नंबर नोट कर लें आप हमारा व्हाट्सएप नंबर, और आप टाइम लेकर आ जाएं तो इंशाल्लाह मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सुनूंगी भी और देख भी लूंगी। ठीक है जी, थैंक यू। मैं सबसे इसलिए पूछ रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं बनाया अभी तक घर को, रात के खाने कोई आइडिया मिल जाएगा। आपको टेंशन चल रही है कि आप क्या मैनेज करें। आलू की भुजिया बना लेना सबसे इजी। मैंने सुना है जिसका खाने के मामले में कोई नहीं होता उसका आलू गोश्त होता है, कुछ समझ ना आए तो बंदा आलू गोश्त बना ले। हाँ, कुछ समझ ना आए तो आलू की भुजिया बना ले। वैसे कल मैंने दिल चाहता कुछ चटपटा बनाऊं, तो मैंने टमाटर प्याज हरी मिर्च डालकर सिर्फ उनको फ्राई किया थोड़ा सा, और वो कितना मजे का बना, तो बार बचा भी नहीं, वरना बंदा अगले दिन खा लेता है। ये चटपट ही रेसिपी है ना, है ना? हाँ। समझ में आए तो ऐसे ही होता है और झटपट भी है, झटपट भी है, झटपट भी है। हम जिंदगी में कुकिंग सेगमेंट में डाल लेते काश, है ना? ये वैसे हमें कुछ और भी मेल्स के लिए भी चीजें डालनी चाहिए, मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए। अच्छा, जो लोग दूसरों को मोटिवेट करते हैं उन्हें मोटिवेट कौन करता है, आप बताएं पहले। मुझे तो अल्लाह करता है। और क्या चाहिए? मुझे तो अल्लाह मियां से बात करके बड़ा रिलैक्स, और बाकी मुझे मेरे बच्चे करते हैं सबसे ज्यादा। मेरी बेटी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है माशाल्लाह। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो आई एम फील लोनली, मैं मतलब बहुत अकेली हो जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हर शादी में जाकर रो रही होती हूँ कि मेरी बेटी की भी होने वाली है, अभी पढ़ रही है वो। एक और कॉलर हमारी खूबसूरत से प्रोग्राम को ज्वाइन करें, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अटक से बोल रही हूँ। सुल्ताना, सुल्ताना जी कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और क्या सवाल होगा आपका? जी सवाल ये है, डॉक्टर साहब से बात करनी है कि मेरी बहू है, 11 साल हो गए इसकी शादी को, इसके 2 बच्चे हैं, सिजेरियन हुई हैं दोनों जी। और इसका पीरियड का मसला है कि इसको नहीं होते, साल साल नहीं होते, 6-6 महीने नहीं होते। अच्छा, इनके हार्मोन्स अनबैलेंस हैं, तो आप इनकी रिपोर्ट वगैरह कुछ करवाई हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दें। और आप अटक से, तो मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, क्योंकि अटक में मैंने एक दो दफ़ा कैंप लगाया था, तो मेरे बहुत पेशेंट अल्लाह के हुक्म से वहाँ ठीक हुए, तो फिर रेफर टू रेफर आपको पता है चलता है। किस एरिया में आपका सेंटर है? ये रावलपिंडी में अफशा मेडिकल सेंटर है, नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट सैटेलाइट टाउन, सैटेलाइट टाउन है जी। अच्छा सैटेलाइट टाउन, ठीक। आप व्हाट्सएप पे कॉल कर लें। ठीक है, मैं कर लूंगी जी, कर लूंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आई होप आप, ये अच्छी वाली सांस लग रही है मुझे, है ना? हाँ ना, है ना, पिंक कलर की होंगी ये क्योंकि जब मैं छोटी थी ना, मुझे हर चीज जो पिंक कलर की होती थी अच्छी लगती थी, तो ये पिंक वाली सांस होंगी, ब्राउन वाली नहीं होगी। जनाब हमें कॉल कीजिए डॉक्टर अफशा से बात करने के लिए, व्हाट्सएप नंबर में दे रही हूँ 0333-513-9482, 0333-513-9482 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपकी जो बात हो, आप जिसे कहते हैं ना दिल का हाल बताना हो बीमारी के हवाले से, वो आप इनसे जरूर डिस्कस कीजिए। ये ना बताइए कोई कमेटी लेके भाग गई तो पानी की मोटर खराब हो गया, आपको पता है पब्लिक नंबर हो जाए तो किसी से कॉल आ रही होती है। हाँ, अक्सर लोग मुझे पूछ रहे होते हैं कि आपकी क्या हॉबीज हैं और आप क्या कर रही हैं इस वक्त। गुलदस्ते वाले गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं, गुड मॉर्निंग के बड़े मैसेज आते हैं, उफ अल्लाह इतने में जो डिलीट करने पड़ते हैं, फोन भर जाता है। तो वो जो टेस्ट वाले पेशेंट होते हैं जिनके टेस्ट वो रह जाते हैं, जो जेन्युइन पेशेंट होते हैं, तो मैं अक्सर अपने व्यूअर्स को यही, फेसबुक व्यूअर्स को ये कहती हूँ कि मुझे गुड मॉर्निंग के मैसेज ना किया करें, बस मेरे लिए घर बैठ के ही दुआ कर दिया करें, और हक वालों का हक और, और मेरी वीडियो शेयर्स कर दिया करें आगे पीछे। तो ये है कि भी उससे कोई डिजर्विंग पेशेंट है जैसे जिसको नीड्स है हमारी हेल्प की, तो वो मेरे सामने आ जाएगा। बिल्कुल जी, ये भी सदका जारिया है। एक और कॉलर हमें ज्वाइन करें, लेट्स सी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वरसाम भाई कौन बात कर रहे हैं, वेलकम टू जिंदगी। मैं तनवीर बात कर रहा हूँ लाहौर से। समीर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया। मैं पूछना था, मेरी मिसेज है वो, उनकी उम्र है तकरीबन 35 और 3 बच्चे, उनके घुटनों में अक्सर दर्द रहता है और जिस्म में ना आस्ता आस्ता डे बाय डे ना बुढ़ापा जो है ना वो बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? मोटापा, मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा, मोटापा। 35। अच्छा अच्छा, तो वो ऐसा है कि उनके हार्मोनल प्रोफाइल वगैरह आपने करवाई है? वो चेक करवाए, उसमें तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आया। सम टाइम ये होता है ना, जिसे हम इतना प्रॉब्लम नहीं समझ रहे होते वही असल प्रॉब्लम होता है। आप मुझे व्हाट्सएप करें उनकी रिपोर्ट्स, अगर मैंने कुछ उनमें देखा कि प्रोलैक्टिन लेवल या हार्मोन्स कोई उनका अनबैलेंस हो रहा है या कोई कमी बेशी आ रही है या फैट्स की तरफ बहुत ज़्यादा वो मूव कर रही हैं इस 35 एज में, तो फिर हम कुछ उनको मेडिसिन या कुछ सजेस्ट करेंगे, कुछ एक्सरसाइज देंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। लेकिन आप मुझे रابطہ करें व्हाट्सएप पे ना। ठीक है डॉक्टर साहब, ये दूसरी बात ये कि ये जो चावल है इनका क्या पैसा ही है, जो आजकल घर में चावल बहुत ज्यादा पकते हैं, चावल खाने से भी थोड़ा सा फैट है जी? बिल्कुल, चावल आपको बहुत ज्यादा फैट्स देते हैं, लेकिन ये है कि उसमें आप डेज डिसाइड कर लेना कि वीकली आपने वन टाइम राइस लेने हैं, इस तरह का कुछ प्लान कर ले। ना ये औरतों का कुछ बहाना आता है, ये बच्चों के लिए मैंने थोड़े से पका लिए, ये बस ऐसे कर कर देना, बीच में मेरा का वन वीक में 4 या 5 दिन पक जाते हैं। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ये बहुत ज्यादा है ना, होने चाहिए नहीं। मेरे तो कहने के बावजूद मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती, फिर बाद में जो मेरे ये दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, आए दिन परेशानी होती है ना। नहीं, चावलों की वजह से भी मोटापा भी होता है, दर्द भी हो सकता है उनके। आप अपनी मिसेज से बात नहीं करा सकते हमारी डॉक्टर अफशा की? आप व्हाट्सएप पे मेरी बात करवा दें। आपको मैं नंबर बता रही हूँ, आप अपनी मिसेज की बात डॉक्टर अफशा से कराइए, 0333-513-9482। हम जल्दी से जाते हैं और चेक करके आते हैं कि यहाँ कैंटीन में क्या बना हुआ है। वी टेकिंग अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक टू जिंदगी। थोड़ा सा टाइम रह गया है, अब हमने बात करनी है बे औलादी के हवाले से, कुछ कंक्लूजन देना चाहिए डॉक्टर अफशा।
कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रही हैं, एजोस्पर्मिया की आप बात करी थी। जी, एजोस्पर्मिया में अक्सर मेल्स जब मेरे पास आते हैं तो वो इतने फेडअप हुए होते हैं, मायूस हुए होते हैं, और अक्सर जो मेजोरिटी में देखने में आता है कि उनको अगर एजोस्पर्मिया का कोई प्रॉब्लम है या उनके स्पर्म्स काउंट कम है या मोटाइल्स कुछ थोड़े से कम हैं तो वो दवाई खाना ही पसंद नहीं करते। जिस तरह आपका जिस तरह वो समझते हैं कि ये इलाज है, यानी इसका इलाज मुमकिन ही नहीं है, या फिर ये है कि ये कोई इतनी स्वेर बीमारी नहीं है कि भी कुछ लोग तो इतना उसको वो कर लेते हैं कि उनके घरों में लड़ाई और ये वो और वो छुपाना शुरू कर देते हैं चीज़ को। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जिस तरह मुख्तलिफ बीमारियों का एच पी लेवल का, जिस तरह विटामिन डी वगैरह कम हो जाता है, आयरन लेवल कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, इसी तरह स्पर्म्स भी हमारे कम हो जाते हैं और मेडिसिन खाने से ये बढ़ जाते हैं, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, सेकेंडली ये कि जो लोग कहते हैं कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो उनके लिए मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जिन मेल्स को भी उनके सेमन एनालिसिस का टेस्ट होने के बाद जब उनके टेस्ट में अगर पस सेल्स आ रही है तो डेफिनेटली आप 110% इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो सकते हैं। क्योंकि आप एक चीज़ मिथ है जो क्लियर कर दूं मैं आपको कि जहाँ पे आपके बैक्टीरियाज होते हैं, जहाँ पे स्पर्म्स काउंट होते हैं, वहीं पे पस सेल्स बनते हैं, और पस सेल्स उसी बंदे के बनते हैं जहाँ पे स्पर्म्स होते हैं, यानी ये कह देना कि एक फैक्ट्री मौजूद ही नहीं है तो ऐसी कुछ गलत बात है। ठीक है, तो बिल्कुल अल्लाह की रहमतों से मायूस ना हो और ये इलाज मुमकिन है, एक चीज़। सेकेंडली दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से बार बार आ रहा है कि हाउ पॉसिबल कि मेल एंड फीमेल चॉइस जो बेबी, हाँ, जेंडर चॉइस, जेंडर चॉइस बात आपकी बात में काटूंगी, लोग दीन मजहब को बीच में ले आते हैं, मजहब में ये मना किया गया है, उसका भी थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। हाँ, ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि हम जो मेडिकेशन दे रहे हैं या किसी पेशेंट की मेडिसिन दे रहे हैं जिसकी 4 बेटियाँ, जिसकी 3 बेटियाँ, जिसकी 2 बेटियाँ, तो अगर मेल्स में या फीमेल्स में किसी चीज़ की कमी की वजह से या कज़न मैरिज की वजह से भी हमारी बेटियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उन लोगों को जब हम मेडिकेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के, वो टेस्ट अगर हमारे अकॉर्डिंग ठीक आते हैं तो फिर आके हम आपको प्रॉपर कोर्स देते हैं। इट्स वेरी एक्सपेंसिव कोर्स, बट ये है कि हर एक को नहीं चल के दे देते, जिनको हमारी मेडिसिन बॉडी पे सूट कर रही होती है हम वो एडवाइस करते हैं आपको, और वो टेस्ट दवाइयां नहीं करने देते। हाँ, हर हर आने वाले को दवाई, बात काट रही कॉलर काफी देर से, हाँ जी ले लें कॉल्स पहले। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, मैंने आपसे भी बात कर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी, कौन बहन हमारी बात कर रही है? मैंने आपसे भी बात की है, अब दोबारा बात इसलिए कर रही हूँ कि मुझे आप बहुत अच्छी लगी हैं, तो मैं आपके पास आऊंगी वहाँ भी हॉस्पिटल भी, और एक मेरा मसला था कि मेरी बेटी है 16-17 साल की है, अच्छा ये कॉलेज जाती है, वहाँ से आके थक जाती है, सारा दिन लेटी रहती है, कभी जिस समय जान नहीं रहती, ये ऐसी बहाने बनाते काम ना करने के, मैं आपको बताऊँ। नहीं नहीं बहाने नहीं, वैसे भी कमजोर सी है तो इसको आयरन की कमी होगी ना, बच्चियों को आजकल बच्चियां दूध नहीं पी रही, ऑर्गेनिक एग्स वगैरह ऑर्गेनिक चीजें नहीं है ना, तो उसको आप मैं पता है कि मैं अपने बच्चों को ना खजूर का शेक बना के देती हूँ, बड़ा एनर्जेटिक होता है, डेट का शेक जबरदस्ती उसको दें कि पिलाएं, वरना कहना उसको इंजेक्शन लगेंगे, अभी भी बच्चे डरते हैं ना इंजेक्शन से। और आपके डॉक्टर साहब मेरे नाम हृदा है, बहुत प्यारी लग रही है दोनों आप, आज मैंने तो बहुत पुराना ससून निकाल के पहने शिंघाई का, बहुत शुक्रिया, देखिए ज्यादा तारीफ ना करें हम प्रोग्राम भूल जाएंगे, अपनी बातें शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, मैंने कहा आज मैंने तो बहुत पुराना सा ना शिंघाई निकाल के, अम्मी को दुआएं दे, अम्मी काम आ गई, अभी भी देख लें अम्मा तो हर जगह काम आ जाती हैं। आप बात करी थी ना इससे पहले जेंडर चॉइस के हवाले से, वो कंटिन्यू कर लेते हैं, तो जेंडर चॉइस के हवाले से वो जो हम टेस्ट करवाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के बिफोर प्रेगनेंसी, तो उन टेस्ट के अकॉर्डिंग हम फैसला करते हैं कि इनको आया हमें मेडिकेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अच्छा, जब हम वो मेडिसिन देते हैं, उस मेडिसिन को देने के बाद जो हम सजेस्ट करते हैं
हैं उनको मीटिंग डेज सजेस्ट करते हैं. वो मीटिंग डेज जब अवेल करते हैं और उन गोल्डन डेज में जब आपकी प्रेगनेंसी होती है कंसीव टू इंशाल्लाह मेल बेबी और सक्सेस रेट जो है वो 98% है 99% है और 100% मैं इस वजह से नहीं कहती क्योंकि देखें मैं आपका लक आपकी नसीब नहीं चेंज कर सकती लेकिन जो मैं एक मेडिकली आपकी हेल्प कर सकती हूँ वो मैं आपकी ज़रूर करूँगी. सेकेंडली ये कि मेजोरिटी जो देखने में जो कपल्स में आता है कि जिनकी चार बेटियाँ या तीन बेटियाँ तो उनमें सम टाइम स्पर्म्स अकाउंट कम होते हैं तो हम जो भी मेडिसिन देते हैं वाइसल्स एक्टिवेशन के लिए देते हैं तो इसमें गैर इस्लामी कोई बात नहीं है. तो मतलब इसका कहने का मकसद ये है कि इसमें ना कोई आर्टिफिशियल वे है ना आर्टिफिशियल पैटर्न है कि भई आप उस तरीके से अपने वाइसल्स को अलहदा करें एक्सल्स को. ये आप नेचुरली मीटिंग करते हैं और अल्लाह ताला कंसीव जो करते हैं सेहतमंद औलाद का होना बहुत जरूरी है, बेटा हो या बेटी हो. लेकिन फिर भी अगर एक माशरा है अगर आपकी ख्वाहिश है कि बेटा आपको चाहिए तो उसके लिए डॉक्टर अफशा से आप रब्ता कर सकते हैं. 0333-513-9482 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ज़िंदगी का रेफरेंस दीजिए और फिर आपको कंसल्ट कर लेंगे, मशवरा दे देंगे डॉक्टर अफशा. एक और कॉलर हमें ज्वाइन करिए ज़िंदगी में. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. डॉक्टर अफशा से बात करनी. जरूर जी, आप नाम बताइए अपना. ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र. अच्छा मैंने अपनी मेरी बेटी है 15 इयर्स की होने वाली है जुलाई में. ओके. तो उसकी पीरियड के सिलसिले में बात करनी थी. उसने हेल्प किया था 12 इयर्स की जब हुई थी तो उसके बाद उसके ना बाल भी झड़ना शुरू हो गए थे. उसके बाद एक दो दफा उसके पीरियड्स आए तो फिर उसके पीरियड्स नहीं आए ना. तो काइंडली मुझे प्लीज बता दीजिए. अच्छा उसमें बच्ची की उम्र क्या बताई आपने? 15 साल. अभी तो 15 इयर्स की. अच्छा सम टाइम ये होता है मैम कि हमारे बच्चों की यूट्रस जो है वो ग्रोथ नहीं करती जिस तरह एक बॉडी ऑर्गन्स वैसे ग्रोथ करने चाहिए. एक ये इशू देखने में आता है और एक हार्मोनल अनबैलेंस देखने में आता है. तो आप अगर उनको मेरे पास क्लिनिक पे विज़िट कर लें तो मैं आपको बेहतर सजेशन दे सकूँगी कि आप अपनी बच्ची के लिए ये चीज़ करें. ठीक है जी. इनका क्लिनिक नेशनल मार्केट सेटलाइट टाउन रावलपिंडी में है. अफशा मेडिकल सेंटर. नंबर आप देख रही हैं स्क्रीन पर, इस पर रब्ता कर सकते हैं. लेकिन बेटी का मामला है, सजेस्ट हम यही करेंगे कि इनको क्लिनिक एक दफ़ा आप ले आएँ. और बाकी हाँ जी कंटिन्यू के टाइम क्योंकि थोड़ा रह गया. टाइम बहुत थोड़ा रह गया और मैं यही अपने पेशेंट को यही एडवाइस करूँगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें कोर्स दे दें तो हर एक को वो कोर्स ज़रूरत नहीं होता. जिनकी बॉडी को वो मेडिसिन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है हम उनको देते हैं और टेस्ट करवा लेते हैं. उसमें हमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हमें कोई चांस लेना पड़ रहा है या कुछ ऐसा. बिल्कुल. तो बाकी अल्लाह शफा देने वाला आप जानती हैं. बिल्कुल. मेरे जितने भी पेशेंट हैं अल्लाह ताला उनको ठीक कर दे और मेरे पास खुशियां लेकर आए, मिठाइयां साथ. इस दफा अब जो भी अच्छी खबर आएगी ना मिठाई में हमारा शेयर भी होना चाहिए. हाँ बिल्कुल. वैसे फिर मैं आपसे मोटापे का इलाज करवाऊंगी मीठा खा खा के. मीठा खा के और बाकी मेरे क्लिनिक पे इतनी मिठाई होती है इतनी सम टाइम के हम डब्बा खोल के. मिठाई से मुझे याद आया अभी मैं मुल्तान नहीं गई. अच्छा किसको जाऊंगी रह गया मुल्तान. पुरजी साहब सुन रहे हैं आप, याद दिला देंगे हम इनको कि मुल्तान जाना है. मुल्तान जाऊंगी आपके लिए स्पेशल लेके आऊंगी हमारा हलवा. और क्या बताते रहे मुझे, क्या कुछ चाहिए? जोड़े चादरे कह रहे, बेड कवर्स भी अच्छे होते हैं वहाँ पे, तौलिए शौलिए सब. मैं ना शॉपिंग करूंगी मरीजों को छोड़े रहने. हाँ, बिल्कुल ठीक है. आखिरी कॉलर हमारे साथ मौजूद है जिंदगी में, कौन ज्वाइन कर रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम. अलैकुम सलाम जी. कौन बात करी जी, कहाँ से? मैं मानूर बात करी बेटा से. अच्छा बेटा क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है ना, ये जो अभी ना ये जो मोटापे होता है ना, ये कैसे खत्म हो जाता है? ये जो पेट बड़ा होता है, बस जब भी खाना देखे तो ऐसे ऐसे करना शुरू कर दें आप कि नहीं खाना नहीं खाना, कुछ भी हो जाए नहीं खाना. ओवर टू यू डॉक्टर अफशा. उसमें यह है कि वो किए दिल से नहीं किया. आप सुनो क्या कहती डॉक्टर अफशा.
उसमें यह है कि खाने को बिल्कुल ना कहें लेकिन खाने की चीज़ों को रद्द बदल कर दें। जैसे कि मैं अक्सर मैं खुद करती हूँ, मैंने अपना 108 केजी से 68 पे वेट लाया है, तो मैंने ये किया कि मैंने कोई भी सालन अगर घर में बना है तो उसमें थोड़ा सा खीरा प्याज टमाटर वगैरह काट के उसको एज अ सैलड यूज, रोटी नहीं खाई चम्मच से वही खा लिया। हाँ, और दवाई वगैरह कुछ भी बताया ना। हाँ, और दवाइयाँ जो हमारे कोर्सेज हैं वो भी 6 से 8 हफ्ते का कोर्स है, वो लेनी पड़ती हैं, फिर 3 महीने स्टॉप करके फिर 6 से 8 हफ्ते का कोर्स है वो लेना पड़ता है। तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम का टेस्ट होता है, वो टेस्ट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो मतलब मेडिसिन आपको सजेस्ट करते हैं। कि क्यों, दूसरी बात ये कि हम लोगों में ये है कि हम लोग फ़ौरन मेडिसिन और डाइटिंग शुरू कर देते हैं ये सोचे बगैर कि हमारी बॉडी पे सूट भी कर रही है या नहीं कर रही। तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, कोई भी डाइटिंग प्लान लेने से पहले वॉक एक्सरसाइज ट्रेनर वगैरह रख के फिर ये चीज़ें शुरू करें। exactly. फिर आपको वो जो कमज़ोरी होती है ना वो बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती है, और वो फिर आप फेड अप भी हो जाते हैं ना बहुत जल्दी वगैरह। डॉक्टर अफशा बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह ताला आपको ऐसे खुश रखे और वसीला बनाए और औरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का। आप सबका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला ने अगर आपको औलाद की नेमत दी तो उसकी कदर करें और करें, और अगर नहीं है तो डॉक्टर अफशा से आप राबता कीजिए, नंबर्स आप देख रहे हैं, और अल्लाह ताला आपको भी खुशियाँ बांटने का वसीला बनाए, इसकी शदीद ज़रूरत है। दुआओं में मुझे डॉक्टर अफशा को पूरी टीम को याद रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।